सबसे पहले सभी को राधे राधे और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और ये है ब्रजभूमि वृंदावन। आपने ब्रज की होली के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, चाहे वो बरसाना और नंदगांव की लठमार होली हो, गोकुल की छड़ीमार होली हो और श्री बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली हो। ये सभी आयोजन ब्रज में एक त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं और इस बार मुझे भी ब्रज की होली देखने का मौका मिला। और इस वीडियो में जो महोत्सव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है श्री बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा और आपको श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन भी हो। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ब्रज की सारी होली के महोत्सव आपको इसी चैनल में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वृंदावन पहुंचने के लिए हमने मथुरा रेलवे स्टेशन से 400 रुपये में एक ऑटो बुक की। आप चाहें तो पब्लिक बस से भी वृंदावन पहुंच सकते हैं, क्योंकि त्योहारों के टाइम में वहां भीड़ काफ़ी हो जाती है पब्लिक बस में, इसलिए मुझे ऑटो ही बुक करना पड़ा। और रास्ते में ऑटो वाले भैया से हमने सारी जानकारी ली कि कब कौन सा मंदिर खुला रहता है और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। उन्होंने सारी बातें हमें डिटेल में बताई, जो कि मैं वीडियो में आगे आप लोग को समय समय पर बताता रहूँगा। वैसे तो मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन 12 किलोमीटर दूर है, क्योंकि लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण ऑटो को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और फिर हमने कुछ दूर तक पैदल चला और फिर एक रिक्शा की मदद से हम अपने होटल पहुँचे। ये है मेरा होटल बसेरा ब्रजभूमि, जो कि अटल्ला चुंगी के पास में ही है। और ये काफ़ी अच्छा होटल है जो कि मुझे 3000 रुपये में मिला है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वृंदावन में कितनी भीड़ होती है। एक्चुअली जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन रंग भरनी एकादशी थी, 20 मार्च की बात है ये, और उस दिन लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और आसपास के गांव से सभी लोग वृंदावन आते हैं और वृंदावन की, तो इसी कारण उस दिन वृंदावन में काफ़ी भीड़ थी। मैंने भी परिक्रमा की है, जिसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर तैयार होकर हम चल दिए श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने। और क्योंकि हमने पहले से प्लान किया था, हमें मालूम था कि आज वहाँ पर फूलों की होली खेली जानी है, तो मैं विशेष रूप से इसी के लिए वृंदावन आया था। मंदिर से कुछ दूर पहले ही जूते और चप्पल रखने के लिए जगह निर्धारित की गई है, आप यहाँ पर निःशुल्क जूता चप्पल रख सकते हैं और मंदिर परिसर में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जा सकते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर खुलने का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से पहले बहुत सारी दुकानें भी हैं जहां पर आप खाने पीने की चीज़ें और लड्डू ले सकते हैं, ये मार्केट बहुत अच्छा है। और फिर वो गली आ गई जो कि बांके बिहारी मंदिर की ओर जाती है, और हमें मालूम था कि मंदिर अभी बंद है क्योंकि बाद में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भगदड़ मचने की भी संभावना होती है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले से जाकर ही मंदिर के दरवाजे में बैठ जाएंगे, जिससे हमें बड़ी ही आसानी से दर्शन हो जाएँ। और वैसे तो वृंदावन में आपको बहुत सारी चीज़ों से सावधान रहना है, लेकिन ये बंदर कुछ खास ही हैं, इनसे आपको ज़रूर बचकर रहना है। स्पेशली आपका चश्मा, ये लोग आप बैठे रहेंगे और आपका चश्मा निकाल लेंगे और फिर इनको बिना फ्रूटी लिए आप अपना चश्मा वापस नहीं ले सकते, तो अपने चश्मे का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए, ये वीडियो मैं इसीलिए डाला हूँ, हमारे 2 से 3 घंटे इन बंदरों को देखकर ही निकल गए। लेकिन हम तो वृंदावन होली खेलने के लिए आए थे और अभी तक होली वाला कोई फील नहीं आया, कहीं से गुलाल नहीं उड़ा, कोई कलर नहीं लगाया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप होली के समय में ब्रजभूमि आए और आप पे कोई गुलाल ना हो। और फिर कुछ देर में ही शुरू हुआ होली का महोत्सव। सब एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन सब एक दूसरे पे गुलाल फेंक रहे थे और अच्छा माहौल था, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा।
और हम दोनों भी बाकी लोगों के साथ मिलकर होली खेलने लगे। बस कुछ नहीं, बैठे बैठे आपको गुलाल फेंकना है और आपके ऊपर गुलाल फेंका जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, एक माता अपने लड्डू गोपाल जी को भी श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन कराने के लिए लाई थी। ये दृश्य सच में अनोखा था मेरे लिए। और मंदिर तो वैसे 4:30 बजे खुलता था, लेकिन भक्तों की भीड़ देखकर ही मंदिर को 3:30 बजे ही खोल दिया गया। और देखिए किस तरह भगदड़ मच गई। लोग सिर्फ राधे राधे जप रहे थे और भाग रहे थे। और अब मैं आप लोगों के साथ वो दृश्य शेयर कर रहा हूँ जो इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये है श्री बांके बिहारी लाल जी मंदिर का फूलों की होली। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर कोई भी गुलाल नहीं फेंक रहा था, सिर्फ आपको जो भी कलर दिख रहा है, या तो गुलाब की पंखुड़ियों का है, या गेंदे की पंखुड़ियों का है, या और बहुत सारे फूल थे जो कि यहाँ फेंके जा रहे थे। हजारों किलो में फूल बरसाए गए हैं। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है और मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। और आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिमा में बार बार पर्दा डाला जा रहा है, यानी उनके आप लगातार दर्शन नहीं कर सकते, आपको टुकड़ों में दर्शन करना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप लगातार ठाकुर जी को देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ठाकुर जी आपको पसंद कर ले और आपके साथ वृंदावन छोड़कर चले जाए। इसलिए मंदिर को हर 2 मिनट के बाद एक पर्दा लगाया जाता है, जिससे कि लोग लगातार उनकी आंखों में ना देख सकें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी क्या वृंदावन में फूलों की होली देखी है, और क्या आप भी वैसा ही महसूस किए जैसा मैं कभी कर रहा हूँ। और इतनी भीड़ है तो आपको अपने कीमती सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे चोरी भी होती है। ये कहना सही नहीं है बट ये सत्य है। और मैं मंदिर छोड़कर जा ही नहीं रहा था जब तक कि मुझे पुलिस वालों ने धक्के मार कर बाहर नहीं निकाला। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अपने वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बरसाना की लठमार होली और नंदगांव की लठमार होली पे जा सकते हैं, और वृंदावन में और कौन कौन सी जगह हैं, या ब्रज मंडल में और कौन कौन सी जगह हैं घूमने के लिए, सारी जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।